रहा है तो कहा करते, अब शकुन जगह बदली पर्यंत, लेकिन वह पीछा करते करते चला गया नारायण नारायण नारायण, लौट करके आ गया हिरण्यकश्यप। उनकी एक भाव सुशील पत्नी थी महाराज, जिनका नाम था कयाधु। ध्यान से सुनना, अब कयाधु ने देखा पतिदेव गए थे तपस्या करने, अब ये लौट करके कैसे आए यह तो यही जानते, लेकिन उनके मन में भाव है मैं जानना चाहती हूँ कि ये तपस्या करने गए लौट कैसे आए। अब हर पत्नी की इच्छा होती है पतिदेव बाहर गए थे ऐसा काम करने गए थे, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ या कैसे बताएं, कब बताएं, कैसे जानूं, ये भाव होता है। और वही भाव माता कयाधु का है, पतिव्रता नारी, लेकिन वह क्या कर रही है पता है? आजकल की कयाधु क्या करती है पता है? कहीं गए दूध नहीं हो रहा घर में, भैंस लेने के लिए भेज दिया चले जाओ, और नहीं मिली लौट करके आ गए मुंह हिला करके परेशान बेचारा, जैसे तैसे तो आया घर पर। पत्नी कह रही है घर में घुसते यहाँ कहाँ गए थे, कुछ नहीं होगा तुमसे हमें पता है, ऐसे ही घूमते रहते हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम अपनी जिंदगी में। अब पति बेचारा मारा धारा, कहाँ से कैसे गया, क्या हुआ, महंगी मिली मद्दी मिली, मिली नहीं मिली, पैसे थे नहीं थे, उसे क्या पता, गर्मी का दिमाग उथल पुथल हो रही है, अब ऊपर से यह ओसना पड़ रहा है, अब क्या होता, उसी में भैया बात खराब हो जाती है, झगड़ा उत्पात सब इसी से पैदा हो जाता है। लेकिन कयाधु कितना सुंदर कह रही है, अच्छा बात को भी जानना है तो किस तरह जानना है, बड़े प्यार से कयाधु ने सबसे पहले ठंडा जल ला करके पति देव को दे दिया, स्वामी जल ग्रहण करो, पूछा नहीं कुछ। अब गर्म दिमाग में ठंडा जल दोगे तो कुछ ठंडा तो होगा ना, थोड़ा सा ठंडा हो गया मन, जल पी करके शांत हो गए, हाथ पकड़ के लेकर आई अंदर, और जो अब तो आजकल पंखा वगैरह सब कूलर एसी सब है, बिठा दिया शांत बात से, आराम से ठंडा हो गया बिल्कुल। अब उसे पसंद जो था वही बना रही है भोजन, जो पसंद है, और गरम गरम बनाकर अपने हाथों से ही परोस रही है कयाधु, और बड़े प्यार से कह रही है स्वामी आपके जैसा बलवान योद्धा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, अपने पति का थोड़ा बखान कर दो ना, और अभिमानी सा हो ना तो फूल के लट्टू हो जाता, वाह। और हिरण्यकश्यप फूल के लट्टू, तुम्हारे जैसा मैंने सौंदर्यवान बलशाली योद्धा कहीं देखा नहीं है स्वामी। और पतिव्रता नारी का धर्म भी यही है, उसका पति सर्वस्व के लिए, वो कुछ कह रही है तो गलत थोड़ी कह रही है, लेकिन वो फूल के लट्टू हो गया, वाह देवी तुमने मेरी मुंह की बात को छून लिया, सच कह रही हो तुम, लेकिन वो कितने प्यार से कह रही है आज तपस्या करने गई लौट कैसे आए, कितनी युक्ति से सोच रही है, कितनी युक्ति से कह रही है आज तुम तपस्या करने आए लौट कैसे आए, शांत हो चुका है बिल्कुल। अब हिरण्यकश्यप कह रहा कोई ऐसी बात नहीं है, बस गया आ गया फिर देखेंगे कभी। कयाधु कह रही है नहीं स्वामी क्या हो गया था बताओ तो सही मुझे, अब प्रेम और प्रसन्नता का भाव है यहाँ पर, इसलिए बड़े प्यार से कह रहा है देवी जब मैं तपस्या करने गया ना तो वहां एक तोता आकर के बोल रहा था नारायण 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 नारायण, क्या बात है, आज पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का शब्द सुना है ना, माता कयाधु गदगद हो गई है साहब, आज मेरे पति ने ईश्वर का परमात्मा का नाम अपने मुख से लिया है, अनजाने में लिया है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा इनको भगवान का स्मरण कराऊंगी। और वही आज परमात्मा का स्मरण कराने पर लग गई हैं, कैसा था क्या कर रहा था कहां से आया था कैसा रंग था कौन था वह, और वही कह रहा है बार बार नारायण 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 नारायण, ऐसे ही कह रहा था नारायण नारायण, मैं जगह पर्यंत बलता गया नारायण 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 नारायण, ध्वनि की रट लगा 108 बार नारायण ध्वनि के नाम की एक माला हो गई पूरी। रात्रि का समय था, शयन करा दिया, बिस्तर लगा दिया, चरण दबा रही है, लेकिन वही नारायण नारायण नारायण, उसी वो मौका मिल गया, परमात्मा की कुछ कृपा भी थी, उसके गर्भाशय में गर्भ में नारायण ध्वनि की स्मृति के कारण एक भक्त पैदा और करण गया हुआ जन्म ले चुका है, उसके गर्भ में स्थापित हो गया। साथियों प्रातः काल हुआ, वह तपस्या करने के लिए पुनः चला गया, बहुत सुंदर टीका वंदन आरती उतार के उसे भेज दिया गया, अब वह तपस्या करके ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा है, देवराज इंद्र ने यहाँ आकर के इनकी राजधानी पर आक्रमण किया, तो इनकी पत्नी को यहाँ से ले जा रहे हैं, इसके गर्भ में बालक है, इसे मारना चाहते हैं, लेकिन देवराज इंद्र ने उसे बचा लिया है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा भैया, और उसे बचा करके वो अपने आश्रम में ले गए, वहां उस बालक का जन्म हुआ, नारायण शब्द से रेतकरण प्रविष्ट हुआ, और नारायण ही ध्वनि से गर्भ धारण किया माता ने, और देखिए नारायण नारायण
ही उसकी माँ बोलती थी और नारायण नारायण आश्रम में हुआ करता था नारद जी के यहाँ, और वहीं जन्म लिया, इसलिए रंग रंग में नारायण रंग गया और यहाँ तपस्या पूरी हुई ब्रह्मा जी की। हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी आए, पुत्र मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, जो भी मांगना चाहता है तू मांग ले। और देख कितना सुंदर कह रहा है यार हिरण्यकश्यप, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूं, तो फिर आप मुझे क्या दे सकते हो? भैया ऐसा देख ले कुछ अमर हो जाए, लेकिन मैं अमर ऐसा कह दूं कि तू अमर हो गया ऐसा मैं नहीं कह सकता। जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा वो है आता न जाता। तो हिरण्यकश्यप मांग रहा आज कितना सुंदर वरदान, एक काम करो आप मुझे यह वरदान दो, मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना 12 महीना में कोई महीना, ना दिन में ना रात्रि में। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तू मरेगा तो जरूर, लेकिन जैसा तूने मांगा ऐसा होगा अवश्य, ऐसा तथास्तु कह करके चलेगा। सज्जनों बहुत बड़ा बलशाली हो गया ये, न किसी दुनिया के अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न दिन में न रात्रि में, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न 12 महीने में किसी महीना में मारा जाएगा, तो बहुत बड़ा बलशाली। सारे देवता दानव सभी इससे भयभीत होते हैं, और इसने सबसे पहले क्या किया कि देवता बड़े बलवान हो रहे हैं आजकल, इसलिए उन्होंने कहा एक काम करें, देवताओं को बल कहां से मिल रहा है? उन्होंने कहा महाराज ये ब्राह्मण संत यज्ञ करते ना, इन्हें यज्ञ के प्रताप से देवता बलवान होते हैं, यज्ञ के प्रताप से देवता बलवान होते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो एक काम करो, यज्ञ बंद करा दो और इन सभी जो भी महात्मा संत ब्राह्मण यज्ञ में भगवान का नाम लेते हैं, देवताओं को आज्ञा देते हैं ना, उन सबको बड़ा करके बुला करके बंदी गृह में डाल दो। केवल एक ही भगवान है दुनिया में, हिरण्यकश्यप, अहम अस्मि ब्रह्मा, मैं ही भगवान हूँ। यज्ञ हो तो मेरा, स्मरण हो तो मेरा, नाम लिया जाए तो मेरा, तप हो तो मेरा, सब कुछ हिरण्यकश्यप के नाम से होना चाहिए। और बंधुओं उस जमाने का भगवान बन गया हिरण्यकश्यप, कितना सुंदर का है। उस समय जो पाठशालाएं होती थी ना, वहां पर बहुत से अत्याचार होते हैं, उस गुरुकुल में नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं, नाना प्रकार का पाप कर्म करता है हिरण्यकश्यप। लेकिन देवता लोग इससे भयभीत होकर के आज माता गाय को लेकर के भगवान के धाम में गए, लेकिन वह दिखे तो नहीं। आकाशवाणी की देवताओं की प्रसन्न भाव को देख करके भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, यदा देवेशु देवेशु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्ममयि च विद्वेषा सवासु विनश्यति। जब जब अधर्म होता है, पाप अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं हर युग युग में अवतार लेकर के आता हूं और धर्म की रक्षा करता हूं, इसलिए धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माता पृथ्वी को आश्वासन दिया तुम निश्चिंत होकर के जाओ। लेकिन वहां बहुत बड़ा शक्तिशाली है, अपनी पत्नी कयादु को नारद जी के आश्रम से ले आया था, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम प्रहलाद था। और देखिएगा ये प्रहलाद बहुत आनंद पूर्वक रहता है, बड़ा राज्य सिंहासन बहुत आनंद है, हिरण्यकश्यप के जमाने में पाप अत्याचार का तांडव लहरा रहा है, लेकिन ये प्रहलाद क्या करते हैं? एक बात और सुनिएगा, प्रहलाद कहते किसे हैं? प्रहलाद कौन होता है? प्रहलाद कहते हैं स्वाधीनता और प्रसन्नता, मतलब किसी भी हाल में रह करके जो प्रसन्नता का अनुभव करता है वो प्रहलाद होता है। मतलब हाल माने कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, दुख में सुख में जैसे भी, परमात्मा को याद करता, भगवान को नहीं भूलता, वो प्रहलाद होता है। और देखिएगा ऐसी प्रकार से प्रहलाद रूपी बुद्धि को कृष्ण रूपी ग्रह में बंद कर दिया गया है। अब दुनिया में किसी की मजाल है जो निकाले? अब तो एक दिन की बात है, प्रहलाद घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, खेल रहा है, हिरण्यकश्यप ने देखा अपने चंचल स्वभाव बालक को, बड़े प्यार से कहा है, और क्या कहा है? पता बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार,
भैया तुझे संसार में किससे इसने किससे मोह किससे प्यार करते हो तुम। लेकिन ये प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, ध्यान देकर सुनना, 5 वर्ष का बालक है लेकिन कह क्या रहा अपने पिताजी से कि तुम भी जपो हर भजन छोड़ो झगड़े खामा खाम के, हर भजन ही तारण तरण दर्शन मिले घन श्याम। पिताजी मुझे क्या कह रहा है पता है, मुझे लग रहा है वैसे कि तुम्हारा समय होता चला जा रहा है लेकिन यह प्रसंग थोड़ा सा ऐसा फंस गया है, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता मैया, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। बहुत सुंदर कह रहा है, नाम प्रभु को शांति दायक बाकू अपने चित्त धरो। मैं किसे प्यार करता हूं यह सुनो आप, और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु को ध्यान करो। नाम प्रभु को शांति दायक बाकू अपने चित्त धरो, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से हरि को नाम भजो। नाम प्रभु को शांति दायक या को अपने चित्त धरो, हरि को नाम सदा सुखदायक या तू अपने चित्त धरो, हर को नाम सदा सुखदायक या तू अपने चित्त धरो, और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हर को नाम सदा सुखदायक या तू अपने चित्त धरो। प्रिय मुझको मन का भजन प्यारा है हमको, पिताजी प्यारी मुझको मन का भजन प्यारा है हमको। इस मन में वासना नहीं होता यही भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया। बड़ा सुंदर कह रहे हैं, पूछो पिताजी क्या प्रिय मुझको मन का भजन प्यारा है हमको, पूछो पिताजी क्या प्रिय हमको मन का भजन प्यारा है मुझको। उनको नाम प्रेम से गायो, उनको नाम प्रेम से गाओ, वो नर पार भयो, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से हरि को नाम भजो। नाम हरि को है सुखदायक या तू अपने चित्त धरो। उसे पार करने का एक ही मार्ग है और वो कौन सा है, भव सागर से
पार करेंगे नाम प्रभु का सहारा है। ओ नाम प्रभु का सहारा है, नाम प्रभु का सहारा है। नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। और न कोई किनारा है, और न कोई किनारा है। आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को। सुमिरन करके भव से तरो चित धरो। अरे जो चाहो भव बंधन का तन, जो चाहो भव बंधन का तन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक याको अपने चित धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक याको अपने चित धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक वाको अपने चित धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक वाको अपने चित धरो। भगवान का नाम सादा सा है, उसको अपने चित्त में बसा लो आनंद। अभी बात है, छोटा बालक है ना, शुक्राचार्य के दो पुत्र थे संडमंड, वो वहीं रहते थे। उन्हें बुलाकर कहा, सुनो इसे ले जाओ, ये छोटा अभी हमारे राज्य में क्या होता है इसे पढ़ाओ। वो ले गए, पढ़ाने का प्रयास किया। कुछ समय पढ़ने के बाद में पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, क्या पढ़ा है पाठशाला में, जरा हमें बताओ। लेकिन वो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास संख्यमात्म निवेदनम। मैंने ये नौ पाठ पढ़ करके घोट करके पी लिए, याद करनी है ये नवदा भक्ति के। अब तो इतना कश्यप कहने लगा, वाह इतना सब कुछ होने के बाद भी वही गीत गा रहा है तू। और एकदम से कहा, सुनो भैया, अरे शत्रु मम, अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए काल चढ़ा तेरे शीश पर तब ना कोई उपाय। और सेवकों से कहा, भैया ले जाओ उसे मार डालो, पावक बैरी रोग ऋण से सहु राखिए ना, यह थोड़े से बड़ो बहु कोटि यतन से जाए, मार डालो उसे। अब लोगों ने, सेवकों ने आज्ञा सुनकर महाराज को उसे मारने का प्रयास किया। वो देखिए पूरा प्रयास किया मारने का, सेवकों ने आज्ञा का पालन किया अपने महाराज का। पासनी सोभांध के अगाध निर्भोर राखे, तिल तरवारों से मार मार हारे, गिर से गिराय दयो दर पौना ने कह, तब मत बारे हाथी नीचे डार, फिर सिर ओर ले अग्नि माह जा रे यह, और पीछे भीड़ ये लगाए नाग कारे हैं, भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। पर्वतों से गिरा दिया नीचे, जल में डूबने का प्रयास किया, तीर तलवार बाणों से मारा, कुछ भी नहीं हो रहा है साहब, हाथियों के नीचे डाल दिया, कुछ भी नहीं। और होलिका ने आकर के जलाने का प्रयास किया, स्वयं जल गई और प्रहलाद नहीं जले। काले नागों से डसवाया, विष नहीं असर करता। अब तो इणाकश्यप से कहा, महाराज मरने में नहीं आ रहा है, गुरुजी के पास फिर भेज दिया, कुछ देख लो हो जाए तो। अब गुरुजी ने के आश्रम में फिर से आ गए, और जब गुरुजी के आश्रम में फिर से आ गए ना, तो बहुत पढ़ाने लिखाने की कुछ चेष्टा की गुरुजी ने, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। और गुरुजी कह रहे हैं, भैया ये तेरे चाचा का शत्रु है नारायण, उसने मारा था नारायण ने तेरे चाचा को। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी को भी नारायण ही मारेंगे, आपको भी नारायण मारेंगे, मेरा वध भी नारायण करेंगे, संसार जगत के मात्र जीव को भी नारायण ही मारते हैं, और सबका वध नारायण करते हैं, तो फिर अपराध, अपराधी कौन, क्यों दोष। बड़ा सुंदर कहा जा रहा है भैया, लेकिन भैया अब तो पुनः लाया गया है,
किसी भी प्रकार से जब मरने में आया नहीं, बात समझ में नहीं आई तो हनाकश्यप ने कह दिया कारागृह में डाल दो इसे, कारागृह में भूखा रहेगा तो मर जाएगा। लेकिन वहां भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है मेरा भक्त कारागृह में बंद है, अकेला है, भोजन नहीं मिला कई दिन से, तुम जाकर उसे भोजन कराओ। वह कयादु का रूप रख करके यहाँ कारागृह में भोजन करा रही है। लक्ष्मी जी 36 प्रकार के व्यंजन है उसके पास और बड़ा प्रकाश है साहब, और वह सेवक देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े व्यंजन भोजन करने के बाद यह मर तो नहीं सकता है ना। अब महाराज को जाकर बताया यह नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं देखूंगा कैसे नहीं मरेगा। और देखिए आज बहुत बड़ा दरबार लगा है उनका, एक गर्म खम कराया है और आज आदेश कर दिया है कि प्रहलाद को लेकर के आओ, मैं देखूंगा कि ये मरने में कैसे नहीं आता। और साथियों अब तो गर्म खम्मा हो रहा है, प्रहलाद को लाया गया है, उस खम्मे पर बहुत लौह लुहान माने लोहे जैसा बहुत बहुत गर्म है। प्रहलाद जी ने जब इसे देखा है ना, वह खम्मा गर्म है, भगवान ने उसे विचलित नहीं होने दिया बिल्कुल भी। चीटी चढ़ के जा रही थी उस पर, प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकश्यप ने कहा आप देखूंगा तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी कह रहे पिताजी मेरा भगवान तुझ में मुझ में कर खम्भ में व्याप रहे जगदीश, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर इस खम्भ में भी मेरे परमात्मा रहते हैं पिताजी। और दोनों बाहों से भर करके जोर से भाग करके उस खम्भे से यह चिपक गए। हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ, जोर से प्रहार किया तेरा भगवान है या छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। एकदम से खम्भा टूट गया। अठास लेकिन कोई जब नहीं दिखाई दिया ना तो हिरण्यकश्यप कह रहा है भय बस खम्भ में है छिपा, यह कैसा भगवान साहस ऐसा है नहीं प्रगटे सम्मुख आन। यह खम्भ में छिपा है मेरे भय के कारण मेरे सामने नहीं आएगा। और जैसे ऐसा हिरण्यकश्यप ने कहा ना महाराज, तो देखिए कितना सुंदर भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए रूप धारण किया है। प्रलय कर शंकर हसो, ऐसी घोर आवाजें सुनाई दी, घोर गर्जना हुई कि ऐसा लग रहा है संसार में कि आज प्रलय करने के लिए कैलाश पर खड़े होकर के भगवान शंकर हंस रहे हैं। प्रलय कर शंकर हसो या टूटो आसमान, या आसमान टूट गया है। खम्भ मध्य से प्रगट भये श्री नरसिंह भगवान, श्री नरसिंह भगवान, प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की जय हो। स्तंभे समाया न मृग न मानव, स्तंभ से निकलने वाला न तो मनुष्य है और ना ही यह पशु जैसा, केवल दोनों का मिश्रित शरीर है, मतलब वह सिंह के जैसा मुख वाला है और मानव माने मनुष्य के जैसा है सर से नीचे, दोनों का मिश्रित रूप है। और यह हिरण्यकश्यप जान गया मुझे ही मारने आया है, लेकिन फिर भी बलशाली है ना, इसलिए युद्ध कर रहा है भगवान से। और देखिएगा युद्ध कर रहा है, और युद्ध करते करते दोनों एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, लेकिन खेल ही खेल में भगवान ने देखा संध्या प्रहर होने जा रहा है, उसे पकड़ लिया और खींच करके देहली पर आकर बैठ गए, अपनी जंगा पलटा। बेटा ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा था वो लिस्ट खोल ले अब तू अपनी, देख पूरी है या नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा आप तो मार ही नहीं सकते हमें। क्यों नहीं मार सकते भाई? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि दुनिया की सृष्टि में कोई भी जीव मेरा वध नहीं करेगा। भगवान ने कहा तो ऐसा जीव पहले ब्रह्मा की सृष्टि में तूने देखा है क्या? आज से पहले तो नहीं देखा, आज ही देखा। तो भगवान ने कहा आज ही आया तुझे मारने, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना दिन में ना रात्रि में, ना ऊपर ना नीचे, ना बाहर ना भीतर। भगवान ने कहा देखो दिन नहीं है रात्रि भी नहीं है, यह संध्या प्रहर है भैया, इसे संध्या कहते हैं। नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, या उन्होंने अपनी जंगा पर डाल दिया है ना, जमीन में ना आकाश में, न बाहर न भीतर। यह घर का देहली का भाग होता है ना, इसे न बाहर का भाग ना अंदर का भाग कहते हैं। देहली पर बैठे फिर भी नहीं मार पाएंगे आप, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था 12 महीनों में से कोई महीना मेरे लिए मरने के लिए नहीं होगा,
भगवान ने कहा ये तो कमाल की बात है भाई, लेकिन फिर भी सुन, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास का महीना तेरे लिए ही बनाया गया, लौंद का महीना है ना, इसे कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, एक एक छल एक एक पंक्ति बनाते बनाते काटते काटते वहां एक महीना 13वां महीना बनाकर तैयार कर दिया, पुरुषोत्तम अधिक मास, फिर भी नहीं मार पाओगे। अब क्यों नहीं मार पाएंगे भाई, अब क्या है, क्योंकि दुनिया का कोई भी अस्त्र मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा हमारे हाथों में कोई अस्त्र है क्या, नहीं है, तो फिर भी मारेंगे तुझे, अब कैसे मारोगे बिना अस्त्र के। भगवान ने अपने नखों को बढ़ाया और नाखूनों को बढ़ा करके उसके पेट में गाड़ दिया, गाड़ करके खींच दिया उसे, उसकी आंखों को निकाल करके उसके ही गले में लटका दिया, गोविंदाय नमो मार्डलाइज पापी। अब देखिए ऐसे महाबलशाली पापी को मारा, थोड़ा क्रोध कुछ तो हुआ है, उन्हें आक्रोश तो आया है। अब देवता लोग कह रहे हैं कि अब इन्हें शांत कर लो, कैसे भी ये भयानक रूप है ना, देखा नहीं जा रहा था, मैया लक्ष्मी के आश्रम में गए, तुम्हारे पति हैं, तुम तो मनाई लोगी। लक्ष्मी जी ने कहा हम नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगी, इसलिए सही दर के गई है। लेकिन भगवान नरसिंह सिंह का सा मुख है, अब लक्ष्मी जी को देखा ना तो पास बुलाने के लिए सोच रहे हैं कि ये पास में आ जाए कैसे भी हमारे, लेकिन वह सिंह का सा रूप, इसलिए लक्ष्मी जी ने जैसे ही दहाड़ लगाई ना उन्होंने पास बुलाने के लिए कहना, लेकिन उन्होंने समझा कि यह तो ऐसा लग रहा है कि मुझ पर ही झपट्टा करना चाह रहा, भाग कर चली गई, मैं नहीं जाऊंगी देवताओं, मैं तो अपने उन्हीं प्रभु से प्यार करती है, क्या है, मैं इनके पास इस रूप में नहीं जा सकती, इस रूप में मैं इन्हें प्रेम नहीं कर सकती हूँ, और लौट के चली आई। अब देवता घबरा रहे हैं, अब क्या होगा। लेकिन साथियों वही माता कयाधु ने अपने पुत्र से कहा है तेरे लिए भगवान आए, भैया अब तुझे इनको इनके रौद्र रूप को इनको सांत्वना है, इनके क्रोध को शांत करना है। और यह छोटा सा बालक आज प्रहलाद, माता कयाधु ने मंगल आरती देकर के पुष्पों से भरा हुआ दिव्य दीपक और आकर के भगवान को स्तुति कर रहा है। कुबेदं बपू कचबयं सुकुमार मेतत कता प्रपत्त दारुण यानास्त, जय जय नरसिंह भगवान भक्त की लाज बचाने वाले, करुणा बरसाने वाले, ओ दया दिखाने वाले, जय जय नरसिंह भगवान भक्त की लाज बचाने वाले। बड़ा सुंदर बात, भगवान ने गोद में उठाया प्रहलाद को, अपनी गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठ गए, दोनों हाथों से जैसे कभी कभी माँ अपने पुत्र को गोद में डाल लेती है ना, और बड़ा स्नेह करती है, बड़े प्यार से दोनों हाथ उसके सर पर फेरती है ना, सारे आनंद को अब वही कर रहे हैं कभी, और उसका चुम्बन कर रहे हैं, कभी होठों का चुम्बन, कभी कपोलों का चुम्बन, कभी सर को सिर को माथे को सूंघते हैं, बड़ा जैसे माता करती है बड़े प्रेम से। और प्रहलाद जी से कह रहे हैं अब तू कुछ मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तुमने मुझे सब कुछ तो दे दिया है। भक्त कह रहा है सब दे दिया तुमने मुझे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं अभी कुछ दिया नहीं है, क्या दिया है। प्रहलाद जी ने कहा कभी तुमने भगवान शंकर के सर पर दोनों हाथ रखे हैं ऐसे करके प्यार किया है, नहीं। इंद्र देवता को, चंद्र को, सूर्य को, ब्रह्मा जी को कभी किसी को नहीं, दोनों हाथ सर पर रख के किसी को प्यार नहीं किया, किसी को दुलार नहीं किया। आज वो सर्वस कभी आप वरदान देते ना किसी को तो ऐसे कहते तथास्तु, एक हाथ उठाते हैं बाकी सब नीचे, तो सब कुछ नहीं दिया। अब दोनों हाथ मेरे सर पर रखे हैं, करुणा बरस रही है आपकी, अब जो तुम्हारा वो मेरा, मेरा वो तुम्हारा, कुछ भी नहीं है आपके पास में प्रभु। मंगल भाव, ऐसा अद्भुत भाव, ऐसी अद्भुत, यह प्रहलाद जी द्वादश भागवतों में प्रसिद्ध हुए महाराज, बहुत अच्छी, बहुत आनंदमय। और देखिए आज भगवान नरसिंह जी ने उसका राज जब से किया प्रहलाद जी का, और देखिए बहुत सुंदर, देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रहलाद जी ने कहा है कि आप अपना विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं, तो वह रूप का दर्शन भगवान ने किया और वो अंतर ध्यान होकर के चले गए। प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की जय हो, प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं।
और तुम बहुत थक गए होगे मुझे दिख रहा है। और देखिए कल की बहुत प्यारी कथाएं होंगी भैया, चतुर्थ दिवस की बेला।